नोएडा में आए दिन हत्या का मामला चल रहा है। अभी मामला शांत नहीं हुआ कि एक और मामला नोएडा के सेक्टर 71 सर्विस रोड पे हुआ है। कुछ बाइक सवारों ने दो मासूमों पे ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। एक की मौके पे मौत हो गई है और एक को कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर जी, जो ये मर्डर हुआ है इसमें पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? सर देखिए, इसमें ये घटना जैसा कि भी मजरूम ने बताया, FIR भी दर्ज हो चुकी है और प्रथम दृष्टया वहाँ छानबीन से भी पता चल रहा है कि ये दोनों आदमी मजरूम और मृतक सदरपुर के रहने वाले हैं। सेक्टर 71 के सनी बाजार में ये पॉलीथीन सप्लाई करते हैं, उसके पैसे कलेक्ट करते हैं और कुछ व्यापारियों को खुदरा पैसे भी देने का काम करते हैं। ये रात्रि में लगभग 11 बजे मार्केट से निकल मेट्रो अपार्टमेंट की सर्विस लेन से जैसे आ रहे थे, उसी समय बाइक सवार हमलावरों ने इन पर हमला करके और इनसे लूटपाट की है। उसमें चली गोली से बबलू गुप्ता घायल है, जिनका इलाज चल रहा है, और श्रीनिवास प्रजापति को जो गोली लगी थी उससे उनकी कैलाश हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी डेथ हो गई। सर, जो आरोपी हैं उनका कुछ पता नहीं चल पाया, तो आरोपी पे पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? घटना अज्ञात है। हमारी साइबर सर्विलांस जी की टीमें, स्वाट की टीमें, थाने की अपनी टीमें जी, मुखबिरी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इस घटना के सूत्रों की तलाश में लगी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इस घटना का भी अनावरण हो जाएगा। और मैं इसमें मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 71 सर्विस रोड पे, जहाँ कल रात को कुछ बाइक सवारों ने जो दो मासूमों को ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, मौके पर उसकी मौत हो गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनके कुछ सैंडल पड़े हैं और यहाँ पे इसमें मौजूद है हिडन टाइम्स की टीम, यहाँ पे कवरेज कर रही है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस मामले पर पुलिस प्रशासन काफी छानबीन कर रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन फरार आरोपी पे क्या कड़ी कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन प्रवीण कुमार के साथ मैं कृष्णा त्रिपाठी, हिडन टाइम्स, नोएडा।